होशंगाबाद लोकसभा की उदयपुरा विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान विधायक देवेंद्र पटेल का बड़ा बयान। कमलनाथ के विधायक ने कहा कि नेताओं को राम मंदिर की राजनीति छोड़ देना चाहिए, ना मोदी बनाए और ना राहुल गांधी। मंदिर के सनातन धर्म के चारों शंकराचार्यों को बनाना चाहिए। वहीं मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कालाधन बुलाए, 15 लाख खातों में डलवाए। वहीं कहा कि पुलवामा में फर्जी स्ट्राइक से जीतना चाहते हैं। वहीं कर्ज माफी को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी 75,000 का कर्जा माफ किया है। आपको बता दें कि होशंगाबाद लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र दीवान ने जनसंपर्क के दौरान ये बातें कही। नहीं, मैं उसके बारे में आपसे निवेदन करूं, क्योंकि मंदिर बनाने का वहाँ स्थापना करने का बाद, मंदिर को भगवान राम की को स्थापित करने का बाद, हमारे यहाँ सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य, हमारे सनातन धर्म की अगर स्थापना की है तो आदि शंकराचार्य ने की। आदि शंकराचार्य जी ने भी चारों पीठों की स्थापना की है, और चारों पीठ जो हैं वो वास्तव में सनातन धर्म के चार पाए हैं। वो चार पाए हमारे जो स्वरूपानंद जी जो कि आज सनातन धर्म के प्रमुख हैं, वो मंदिर के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर वो शंकराचार्यों के साथ में हमारे चारों शंकराचार्यों को स्वरूपानंद जी खास उनके साथ में हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके पीछे, उनका जो निर्णय होगा उनके साथ में। तो राजनीतिकों को छोड़ देना चाहिए मंदिर के भाव। राजनीति तो मुद्दा है, राजनीतिक लोग तो मुद्दा बना रहे हैं। अगर मैं आपसे निवेदन करूं, इतने साल से राम मंदिर आडवाणी जी आए, जब से राम मंदिर की यात्रा शुरू करी, जब आज तक सर मुद्दे के अलावा क्या राम मंदिर बना है? कभी मंदिर बनाएंगे तो हमारे सनातन धर्म के जो चार शंकराचार्य हैं वो ही इस मंदिर का निर्माण करेंगे। भारत।